नमस्कार, एएनवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कुछ राज्यों के साथ दिल्ली राज्य में भी कोरोना की स्थिति बेकाबू होती दिख रही है। इस बीच लॉकडाउन की फर्जी जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है उत्तराखंड की ओर से। और इस मामले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है, जिसके चलते उत्तराखंड में किसी का भी कोई भी लॉकडाउन किसी तरह का नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने अधूरी जानकारी के चलते लॉकडाउन का पुराना अखबार की कटिंग वायरल की जा रही है और अफवाह फैलाई जा रही है कि उत्तराखंड में सप्ताह के दो दिन लॉकडाउन रहेगा, जो कि पूर्ण रूप से झूठी खबर है, अफवाह है। तो इस अफवाह पर ध्यान न दिया जाए, यह भी कहा जा रहा है। अभी उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कटिंग है, दो तीन महीने पहले जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था, तब जब प्रावधान थे कि हफ्ते में दो दिन की लॉकडाउन करने का, उसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग को फिर से सोशल मीडिया पे घुमा रहा है, वेरियस स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप्स में। मेरा सभी लोगों से यही कहना रहेगा कि गवर्नमेंट जब भी ऐसा डिसीजन लेती है, अप्रोप्रिएट चैनल से आप सबको बताएगा। तो जो भी ये रूमर्स फैल रहे, इस पर विश्वास न करके, साथ ही बढ़ते हुए कोरोना के केसेस देख के अपने आवश्यक चीज़ों के लिए और आवश्यक ज़रूरतों के लिए घर से बाहर निकले तथा अपने अपने स्वास्थ्य का ख्याल। उत्तराखंड के भगवानपुर में सड़कों पर डग्गामार वाहनों की भरमार है। नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ऐसा नहीं है, आपको बता दें कि बल्कि थाने और पुलिस चौकियों के सामने ही ये सारा कृत्य चलता है। लेकिन विभाग शायद कुंभकर्णी नींद में सोया होता है। ऐसे वाहनों पर तभी कार्रवाई की जाती है जब कोई हादसा हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे वाहनों की वजह से जाम की समस्या भी बनी रहती है। जब मामले में भगवानपुर उपजिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे से बात की गई तो उनका ये कहना रहा कि इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, समय समय पर कार्रवाई की जाती है। बाजार, मुख्य बाजार से खानपुर चौराहे के आसपास तक लगभग 200 मीटर के क्षेत्र में है। वहां पर ऑटो, टेम्पो और ठेलियां लगा देने की वजह से आधी से ज्यादा सड़क घिर जाती है, जिसपे भारी ट्रैफिक आता है और जाम की बड़ी विकट समस्या होती है। लगभग रोज अधोस्ताक्षरी द्वारा इसे हटवाया जाता है, लेकिन आज इस पर कार्रवाई भी की गई है और इन सबको, पुलिस को भी निर्देशित किया गया है पुनः और अंतिम बार निर्देशित किया गया है कि इसका संज्ञान लेते हुए इस पर कोई कठोर कार्रवाई। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां पर अनावासीय भवनों और खाली पड़े भूखंडों से संपत्ति कर वसूलने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। संपत्ति कर को समाप्त करके इसके लिए, आपको बता दें, कई राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं और कांग्रेसी मेयर हेमलता नेगी ने सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति भी तैयार की है। साथ ही संपत्ति कर के विरोध में, आपको ये बता दें कि जन जागरण और हस्ताक्षर अभियान चलाकर नगर निगम में ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियाँ दर्ज कराई जा रही हैं। मेयर हेमलता नेगी और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी दोहरी राजनीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पर निशाना साध रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी है, वो कांग्रेस के टिकट से यहाँ मेयर लड़ी और इस समय विजय होकर यहाँ मेयर है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगले 10 साल कोटद्वार को, नगर निगम को सभी संपत्तियों से कर मुक्त रखा जाएगा। अब क्या हुआ कि 25/2/2020 प्रस्ताव पारित कर दिया इन्होंने अपनी कैबिनेट में कि नगर निगम की जो कैबिनेट में इन्होंने बोर्ड में ये प्रस्ताव पारित किया कि जो कोटद्वार में ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका में सम्मिलित करके नगर निगम बनाया गया था, उस ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, गैर आवासीय संपत्तियों पर व अन्य भूखंडों पर ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि इन पर संपत्ति कर लाया जाए, लगाया जाए। अब कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कि उसका वोट बचा रहे 2022 को निशाना करने के लिए, निशाना साधने के लिए, कि दो उनको कहीं ऐसा ना हो कि कोटद्वार की जनता उनको बिल्कुल जड़ से ही समाप्त कर दे। तो अब वो क्या करें, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी और उनकी पत्नी मेयर, जो कि यहाँ की मेयर हैं, वो सड़कों पर जा रहे हैं, कोटद्वार की जनता से ये कह रहे हैं कि हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जो ये टैक्स लगाया जा रहा है ये गलत है और इसका आप विरोध करें और इस पर आपत्तियाँ दें। आप देख लेंगे कि उन्होंने झंडा चौक से लेकर माल्योदान तक एक रैली निकाली, हस्ताक्षर अभियान चलाया। एक दिन
आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे चमोली में। कुमकुम जोशी को सीमांत तहसील है जोशीमठ में एसडीएम के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि कुमकुम जोशी जोशीमठ की दूसरी महिला एसडीएम होंगी, जबकि इसके पहले महिला एसडीएम निधि यादव रही हैं। तो वहीं जोशीमठ के नवनियुक्त एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि वह अपने एसडीएम सेवा के शुरुआती जोशीमठ से ही कर रही हैं। और कुमकुम जोशी ने कहा कि बड़े सौभाग्य से भगवान बद्री विशाल के चरणों में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी तो एसडीएम सेवाओं की शुरुआत से ही भगवान बद्री विशाल के चरणों से ही जो शुरुआत हो रही है वो मेरे लिए गर्व की बात है, गौरव का विषय है। उन्होंने बताया कि नगर की हर छोटी बड़ी समस्या को उठाने का वो प्रयास करेंगी, साथ ही निराकरण के लिए भी लगातार प्रयासरत रहेंगी। देखिए, जोशीमठ में मेरी, जैसा आपने कहा, मेरी कैरियर की पहली तहसील है ये। मैं अपना एसडीएम का जो कैरियर है वो तहसील जोशीमठ से शुरू कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी मानती हूँ कि भगवान बद्रीनाथ की भूमि से और इतनी सुंदर जगह से मेरे जो प्रशासन की कैरियर का पदार्पण हुआ है। बाकी अभी क्षेत्र को जानना और समझना मेरे लिए अभी बचा हुआ है, क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन किया है। और प्राथमिकताएं तो जैसे कि होती हैं कि क्षेत्रीय जनता से मैं सहयोग की अपेक्षा करती हूँ कि मेरे जो भी कार्य मैं यहाँ पे करवाना चाहती हूँ। और अपने जोशीमठ, जैसे आप लोगों को पता ही है, पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जानी मानी तहसील है। तो इसका जो ये नाम है वो और थोड़ा आगे जाए और मैं क्षेत्र को समझ के यहाँ की समस्याओं का निराकरण करने में। उत्तराखंड के गदरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देहरादून से आए विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने अचानक से नगर के मुख्य बाजार में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान बिजली चोरी पकड़ते हुए विद्युत विभाग अधिनियम के तहत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक लगातार विभाग को विद्युत चोरी की शिकायतें मिल रही थी। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने स्थानीय विद्युत विभाग की टीम और पुलिस कर्मियों के सहयोग से ये छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव मैनेजर उमाकांत तिवारी ने कहा कि गदरपुर क्षेत्र में 70% बिजली की रिकवरी नहीं हो पा रही थी, जबकि 30% लोग ही बिजली के बिल की पेमेंट कर रहे हैं। इस कारण लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में 12 लोगों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। में भी तो अब थोड़ी सी सुधार है, कार्रवाई होने के बाद से और लोगों के अंदर जागरूकता आई है, थोड़ा सा लाशेज हमारा इम्प्रूव हुआ है, लाशेज कम हुआ है। और बाकी आज अभी कुछ कॉलोनियों में गए हैं तो 12 लोग अभी लगभग खतरे में हैं, बाकी अभी कार्रवाई और चल रही है। बाकी तो हमारे लिए तो पूरा मतलब कुमाऊ क्षेत्र में है, लेकिन बेसिकली उधम सिंह नगर में ज़्यादा लाशेज। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार के विशनपुर कुंडी गांव में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मृतक हाथी की उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। आनन फानन में वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हाथी के शव को कब्जे में लेकर घटना स्थल पर ही पोस्टमार्टम किया गया। जानकारी के मुताबिक जिस जगह पर हाथी का शव बरामद हुआ वहां नजदीक में ही एक बिजली का ट्रांसफार्मर लगा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से हाथी को करंट लगा होगा। हरिद्वार DFO नीरज कुमार ने बताया कि इस स्थान पर अक्सर हाथी जंगल से निकलकर फसल इत्यादि खाने के लिए आते हैं और ये हाथियों का पसंदीदा स्थान भी है। बीती रात भी हाथियों का झुंड यहां मौजूद था और इसी झुंड में से एक हाथी ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया, करंट लगने से उसकी मौत हो गई। देखिए, ये गंगा जी के बीच में टापू हैं कई सारे, जिसमें कि हाथी हमेशा रहते हैं और ये यहाँ के ही अपना दिन में और रात में फिर इधर से समीप में जाके खेतों में फसल वगैरह खाते हैं। तो कल रात भी ये कई सारे हाथी यहाँ पर थे, 5-6 हाथी। और उसके बाद ये एक हाथी दुर्भाग्य से, नर हाथी है, दुर्भाग्य से ये जो है यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है विद्युत का, इसके जो है चपेट में आ गया शायद, संभवतः, क्योंकि अभी ये पोस्टमार्टम चल रहा है, इसके बाद ही पूरा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि बाहर से इसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई घाव वगैरह इस तरह का कहीं भी इस पर नहीं है और दांत वगैरह सब सुरक्षित हैं। और यही प्रतीत हो रहा है कि ये जो बिल्कुल ट्रांसफार्मर के पास ही में ये गिरा हुआ था, तो यही प्रतीत हो रहा है। बाकी अभी जांच की कार्यवाही हमारी गतिमान है और जो जांच में निकल के आएगा उसके हिसाब से ही फिर आगे की कार्यवाही। क्या उम्र होगी सर हाथी की? लगभग लगभग 35-40 साल का हाथी है। और ये पूरी तरह से ये जो समीप का एरिया है, ये पूरे जो गंगा जी के बीच में टापू हैं, ये हाथियों का एक प्रिय वास स्थल है और यहाँ पर बने रहते हैं। तो कल भी ये कई सारे हाथी थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक हाथी के साथ इस तरह की घटना हो गई।
और यहां वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB News। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज, राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ेंगे खबरों में आगे और खबर चमोली से है। चमोली में आपको बता दें कि शंकराचार्यों के बीच तनातनी का मामला सामने आया है। शंकराचार्यों के 2 शिष्यों के बीच एक बार फिर से तनातनी शुरू हो गई है। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती में पुराना विवाद चला रहा है, लेकिन सरगर्मियां तेज तब हो गई जब स्वरूपानंद सरस्वती के कुछ शिष्यों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया और लिखा कि उच्चतम न्यायालय ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य स्वीकार किया है, जिस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी भी बताए गए और उन्हें स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से ज्योतिष पीठ का पदभार ग्रहण करने के आदेश मिले, जिसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जोशी मठ में ही निवासरत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस पोस्ट के बाद अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के शिष्यों ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए लिखा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्यों द्वारा जनता के बीच भ्रम और अराजकता फैलाई जा रही है। साथ ही शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के शिष्यों का कहना है कि ये मामला पिछले कई वर्षों से कोर्ट में चल रहा है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही ये भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है और ऐसे में माहौल तनातनी का हो गया है। आपको ये बता दें कि इस पूरे विवाद को लेकर अब संतों में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं कि जोशीमठ का ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का प्रकरण पूर्व से चला रहे हैं और वर्तमान में जब उनको पीठ नहीं मिला तो आप जानते हैं कि जोशीमठ में एक नया उन्होंने शंकराचार्य का आश्रम बनाया, शंकराचार्य आश्रम इसलिए बनाया और वो उन्होंने वो शंकराचार्य आश्रम जो बनाया आयुर्वेदिक विद्यालय के नाम से, और यहाँ की जनता को उस समय उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक विद्यालय खोला जाएगा, संस्थान खोला जाएगा, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेलिंग जो उन्होंने की उस समय, तो आज भी आप देखते हैं नए और पुराने में कितना फर्क है। लेकिन अमुक्तेश्वरानंद ने पूर्व में भी
जो यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर माता के यहाँ पे धरना दे करके यहाँ की जनताओं की भावनाओं को बरगलाने का प्रयास किया और मुझ पर उन्होंने स्वयं हमला किया, जिसकी मैंने प्राथमिकी दर्ज करा करके आज उन पे वो मुकदमा चल रहा है। और वो जब भी जोशीमठ में आते। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन के पास कुंभ मेले की तैयारियां चल रही थी, इसी बीच कार्यों में लगी जेसीबी क्रेन अचानक से स्टेशन के सामने मिठाई की दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान में लाखों का नुकसान भी हुआ। हादसे के बाद मौके पर व्यापारियों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने क्रेन चालक को गिरफ्तार कर लिया। गनीमत रही कि काफ़ी भीड़भाड़ वाला ये क्षेत्र होने के बावजूद इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भाई ये क्रेन स्टेशन की तरफ से पीछे की तरफ बड़ी तेजी से आई और वहाँ लापरवाही खड़ी करी ना, बिना ब्रेक के सीधे आ गए, टकरा गए लड़कों को, जो है क्या कहते हैं एकदम से वो भी हड़बड़ आ गए। सब पीछे अंदर ही थे, गंगा माई का शुगर लगा, अगर सिलेंडर चैनल अटकती तो अंदर तक नुकसान करती। देखते हैं उसके हटने के बाद, ये वाश मशीन टूटा, सिलेंडर टूटा, काउंटर का शटर है, शटर टूटा, आश्रम का गार्डर, तो अभी पता चलेगा अभी इसे हटने के बाद और क्या नीचे उसके ना घायल। क्या नाम है? राजेंद्र भट्ट। घटना ये हुई कि रेलवे की जो लापरवाही ठेकेदारों की, उस वजह से ये घटना हुई। इन्होंने क्या किया, गाड़ी को वहाँ छोड़ दिया बिना हैंड ब्रेक के और गाड़ी वापस आती चली गई। अगर उसके नीचे कोई बिना ड्राइवर के, ये भट्ट जी की मिठाई की दुकान पे घुसी है और उनका क्या नाम, शटर भी टूटा है, पिलर पे पूरी चोट लगी है और सिलेंडर दबा पड़ा, बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। अब ये चाहते हैं कि भाई वो आए यहाँ बैठ के बात करें, जो भी दुकानदार का मुआवजा दे और उसके बाद अपनी गाड़ी ले जाए और आगे से पुलिस को लिख के दे कि भाई इस तरह की कार्रवाई लापरवाही नहीं करेंगे हम। भाई आप खुद देखिए, लोहे की पूरी गाड़ी, लोहे लोहे की है, वो जो बड़े बड़े टैंकर उठा देती है तो वो छोड़ देती किसी को, बराबर में बिजली का पोल है, क्या नाम विद्युत लाइन अब जो नई गिरी है उसका पोल लगा हुआ है, बराबर में उसमें लाइन चालू है। बहुत बड़ा हादसा होता है रेलवे स्टेशन के ठीक सामने, बीचों पब्लिक पहले से कोई गाड़ी घोड़ा सब खड़े होते हैं यहाँ पर। ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो जेसीबी खड़ी थी यहाँ पे, तो ये इसमें ड्राइवर तो कोई था नहीं, उसमें पीछे अपना भी गोदी चल के पीछे आ गई है और ये सारा दुकान जो टूट फूट हो गई है और दुकान के अंदर घुस गई है, ये सूचना मिली थी। फिर हम सूचना पे यहाँ पे मौके पे आए थे। ये रेलवे स्टेशन जो गेट है उसके अंदर की साइड में थोड़ा खड़ा था, वहाँ पे भी ढलान है, ढलान की वजह से वो भी अपने आप ही चल के आएगी पीछे। अब जैसे तहरीर आएगी उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी आगे। जी ये काफ़ी बड़ा हादसा होने से टल गया है। नहीं
देश भर में कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते फिर से कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं शादी विवाह के सीजन में कोरोना नियंत्रण के लिए अल्मोड़ा के SSP PN मीना ने जनपद वासियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना से का खतरा टला नहीं है, इसलिए सभी लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, हम सबको अभी पता है कि जो कोविड का एक चैलेंज है, इसको पूरा देश और पूरा विश्व भी फेस कर रहा है, और चूसे और अल्मोड़ा की जो जनता है उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि चूँकि अब शादियाँ भी आ रही है और जितने बाकी सोशल ओकेजन है वो भी लोग सीमित रूप में मना रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के दौरान भी हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। जो सरकार द्वारा एक तय मानक किया गया है कि इतने लोग शामिल हो सकते हैं, उसी तरीके से हमें इन त्योहारों को और इन समारोहों को मनाना है, और साथ में खास तौर से ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है कि जितने भी हमारे बाकी नॉर्म्स हैं जो इस महामारी से हमें बचा सकते हैं, चाहे हमारा इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हेल्थ पर ध्यान देना है या सोसाइटी को कैसे किस तरीके से हम और स्वच्छ बना सकते हैं उस पर ध्यान देना है, इन सब चीज़ों पर हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को हम फॉलो करेंगे, इन सब चीज़ों का अपने सामान्य जीवन में पालन करेंगे, तो इन महामारी से हम बचे रहेंगे। और सितारगंज में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके कब्जे से 23 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत कल चेकिंग के दौरान जनता फार्म किराए पर एक जफर नाम के व्यक्ति को, जो सिरोली का रहने वाला है, उत्सुक से आ रहा था। उसके चेकिंग के दौरान जिसकी चेकिंग के दौरान 23 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुई। उसका NDPS के अंतर्गत उसका मुकदमा कायम किया गया है और हाल साल जेल भी जाएगा। नशे के विरुद्ध ही के अभियान के तहत ही एक शराबी को भी पकड़ा गया है, गवी नाम के, जो जिससे 37 पाउच जो है कच्ची शराब बरामद हुई है, उसे भी जेल भेजा जा रहा है। एक कल वांछित चल रहा था वारंटियों की दबिश के दौरान, एक कल्लू नाम का, जो 2013 से वांछित चल रहा था एक्सीडेंट के मुकदमे में, उसे भी एक गिरफ्तार किया गया और उसे भी आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। पाउच वाले के पास में स्कूटी पाउच, हाँ स्कूटी से ला रहा था मैं, स्कूटी के गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने एक नई पहल की है, जिसके तहत कोतवाली के बाहर नेकी की दीवार के नाम से एक अस्थाई रैक बनाई गई है। आपको ये बता दें कि ठंड का समय आ गया है और इस समय बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का अभाव है, साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अतिरिक्त कपड़े भी नहीं हैं, जिसको लेकर गंगनहर कोतवाली पुलिस के द्वारा कोतवाली के बाहर नेकी की दीवार की खूंटी टांगी गई है, जिसमें आमजन से अपील की गई है कि वह इस दीवार पर अपने अतिरिक्त कपड़े टांग दें, जिससे ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। कोतवाली गंगनहर क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल हैं और उन पर पार्किंग की व्यवस्था ना होने की शिकायतें आई हैं, तो आज मेरे द्वारा अपने चेतक कर्मचारी गणों के माध्यम से कुछ डॉक्टर्स को, एक ब्लॉक के डॉक्टर्स को गोष्ठी के लिए का पारा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही गरीब लोगों को गर्म कपड़ों की चिंता सताने लगी है। वहीं अगर बात करें, गंगनहर कोतवाली ने एक बहुत अच्छी पहल ये की गई है कि कोतवाली के बाहर नेकी की एक दीवार का निर्माण किया है, जिसमें रुड़की शहर के या आसपास के लोग अपने गर्म कपड़े या जो भी उनकी ज़रूरत के कपड़े नहीं हैं वो यहाँ पर लाकर टांग देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सराहनीय काम इनके द्वारा ये किया गया है। अगर बात की जाए तो गरीब लोग यहाँ से ये कपड़े उठाकर ले भी जा रहे हैं। वहीं अगर हमने रुड़की गंगनहर कोतवाली के कोतवाल साहब से बात की है, तो उनका भी यही कहना है कि अभी सिर्फ लोगों को प्रेरित किया गया है, इसके बाद अधिकारी और कर्मचारी भी जो कि पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, सभी कर्मचारी यहाँ पर अपने अपने उस तरह के कपड़े लाकर टांगेंगे जो कि ज़रूरतमंदों को, जिनकी ज़रूरत होगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल ये गंगनहर कोतवाली की तरफ से की गई है और ऐसी पहल सभी लोगों को भी करनी चाहिए, ये भी हम अपेक्षा रखते हैं। मैं अरशद हुसैन, ANB News, रुड़की।
खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां पर सोनी टीवी पर डांसिंग की दुनिया में अपने जलवे बिखेरने वाले अमन शाह का मुंबई से ऋषिकेश लौटने पर भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद देहरादून रोड स्थित गढ़वाल महासभा के कार्यालय में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि अमन शाह ने टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराकर शहर का नाम रोशन किया है। इस दौरान अमन शाह ने ऋषिकेश से मुंबई तक डांसिंग को दुनिया के सफर के अपने कुछ अनुभव मीडिया के साथ साझा भी किए। बहुत मतलब अलग फील हो रहा है क्योंकि अपने ही शहर में ऐसा स्वागत होना मतलब बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि पहले कोई जानता नहीं था कि ऋषिकेश से कोई अमन शाह नाम से भी डांस करता है। सब नॉर्मल रोड पर निकलता था, मैं कोई देखता नहीं था। अभी लोग रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे हो आप, कहाँ हो आप, यहाँ घूम रहे हो, तो मतलब एक स्टार वाली फीलिंग आ रही है कि मैं किसी ठेली पर भी खड़े होकर खा रहा हूँ तो लोग मुझे पूछ रहे हैं। तो बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है मिली, ये सब भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें। अभी तो मेरी स्टार्टिंग हुई है, मैंने तैयारी करनी है, मतलब सीखना है, अभी उसी फील्ड में जाना है। बॉम्बे जाऊँगा मैं दोबारा वापस एक या डेढ़ महीने में, अभी सीखने आया हूँ मैं यहाँ पे, और थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ, दोस्तों के साथ मिलने आया हूँ, क्योंकि बॉम्बे में ये पहाड़ ये शांति। उत्तराखंड के मसूरी से आए महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर संतों और अखाड़ा परिषद की लगातार बैठकें वो कर रहे हैं। इस बीच एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि साधु संतों पर हुए अत्याचारों के खिलाफ संत समाज ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है और भविष्य में किसी भी साधु संत पर अत्याचार न हो, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। वहीं साथ ही उन्होंने लव जिहाद को लेकर सरकार से कानून बनाने के लिए भी मांग की है। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।